हाय फ्रेंड्स, सबको वांडर फ्रॉम केरला का नया एपिसोड में स्वागत है। आज मैं हूँ कोचिन में। कोचिन में एक बीच के सामने है, जैसे मरीन ड्राइव वगैरह हो गया, उसके सामने है। यहाँ से एक रोवर उधर से आ रहा है और इधर से एक बोट भी जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई एक तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएंगी कुछ। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। वैसे सही समय में आ गया मैं, यहाँ से बहुत ट्रैफिक लग रहा है वैसे बोट बोट का। यही जो बोट ही मान गया, बोट मुझे लग रहा है ऐसे मोड़ के वहीं पे पार करेंगे, उसके बाद वो रोवर जाएंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते, देखेंगे। देखो भाई साहब इसे साइड कर रहे हैं। देखो उधर पार्क किया, वो बोट वहीं पे पार्क हो गया। अब मुझे लग रहा है वो रोवर मूव होंगे, आगे का मूव होंगे। वो एक्चुअली रोवर एक्चुअली एक शिप के बराबर है, मतलब उतना ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा है वो। वो एक्चुअली क्यों ये रोवर इधर से जाएंगे, मतलब ये जो रास्ता ये है, ये शिप मतलब समुंदर से डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ शिप को लेके जाने के लिए। देखो अभी जो ये जो आ रहे है ये भी साइड किया, ये जो पार्क किया उधर, उसके बाद ये जाएंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे उधर से। तो ये एक्चुअली यहाँ के पानी को मतलब बैठा कर रहा है, ऐसे कुछ सिस्टम है इसके अंदर। यहाँ पे शिप को आने के लिए रास्ता बनाने के लिए ये इधर से ऐसे ये रोवर को भेजते हैं पहले, उसके बाद ये मतलब प्रॉपर पानी कुछ ऐसे हो जाएगा, उसके बाद बड़ा शिप वगैरह आएंगे इस रास्ता से। तो इसलिए पहले इस रोवर को भेजते हैं। ये उस पर लिखा हुआ है मदुरई, मदुरई का लग रहा है, केरला का नहीं, मदुरई का मतलब ये कंपनी का ही है कुछ ऐसे कुछ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। लेकिन देखो वो शिप का बराबर ही है, और देखो वो उधर से जाने की वजह से यहाँ पे वेव्स बैठ रहे हैं, पानी देखो कैसे हिल रहा है इधर। देखो उधर से वो स्टार्ट भी किया, वो वापस अपना रास्ता पे जा रहे हैं। उसका सिस्टम पहले ऐसे नहीं था, अभी दोनों तरफ मतलब एंट्री भी कर सकते हैं, एक्सिट भी कर सकते, इसलिए वो कैसे भी जा सकते, दिक्कत नहीं है, सही है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड पे ख़त्म हो रहा हूँ, और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक बढ़िया एपिसोड में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।